हल्का सा होता है कि ऐसे सिर पे ऐसे हाथ ऐसे करके पागल, वो वास्तव में पागल हो गया। बस मिस हो गई, उसकी खुद की गलती थी, बस मिस हो गई। तो उसने लिख दिया फेसबुक पे, ये बस भी आज तुम निकली। या सिंगल कौन है अभी? वैसे ये सवाल ही गलत है कि ओपन माइक्स में वैसे सिंगल या वन साइडेड लवर ही आते हैं। जिनके पास कोई होता है वक्त बिताने के लिए, वो यहाँ नहीं आते। वो उनका सोना बाबू चिगी विगी कहीं और चल रहा होता है। और जो हमारे तमाम शायर साहब हैं, तो ये जब प्यार में होते हैं, इन्हें कुछ बस भी पलट जाए, भूकंप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इनको प्यार मतलब मुकम्मल जहान हासिल नहीं होता प्यार में, टूट जाते हैं ये, तो फिर ये शायरियाँ शुरू करते हैं। फिर इनको पत्थर, हवा, वो हवा भी आज कुछ कहती है, ये चांद भी कुछ अलग सा है, पहले चंद्र ग्रहण हो जाए इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये अपने सराउंडिंग्स को बड़ा, हर हवा को, हर चीज को फील करते हैं। लाइक मेरा एक दोस्त था, तो वो भी टूट गया तो शहर बन गया। तो उसके बाद में, और उसने बीटेक भी की थी। और बीटेक वालों का ये रहता है कि वो इंजीनियरिंग के अलावा सब चीजें करते हैं। जिस काम के लिए उन्होंने पैसे और समय दिए, उसके अलावा वो सब कुछ करते हैं। उदाहरण सामने है। हाँ, तो फ्रेंड ने, वो टूटा हुआ आशिक था, तो उसने लिख दिया, एक दिन बस मिस हो गई, उसकी खुद की गलती थी, बस मिस हो गई। तो उसने लिख दिया फेसबुक पे, ये बस भी आज तुम निकली। ये बस भी आज तुम निकली, इसे मेरा साथ गवारा न था। ये बस भी आज तुम निकली, इसे मेरा साथ गवारा न था, कुछ पल तो और साथ बिताते, तुम्हारा बाबू इतना आवारा न था। ये इनका हाल है। और जिनका बहुत बार कट चुका होता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। वो सोचते हैं कि उनको लगता है खुद की जिंदगी में झांकते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ सिखाने के लिए है नहीं, लेकिन इतनी बार बन चुके हैं कि चलो यही बात बताई जाए। कुछ लोग हंसे तो सही इस पे। और प्यार में तो इस तरीके से है कि अपनी जिंदगी एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह है, कि लोग प्रैक्टिस यहाँ करते हैं, एग्जीक्यूट कहीं और जाके करते हैं। अब आप, और इसमें क्या रहता है कि आपको क्यूट लगना होता है। जैसे आप मुझे ही देख लो, मेरे 17 दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई मूंछ मत रख, उम्र से बड़ा लगता है, लेकिन मेरे को कभी किसी व्यक्ति विशेष ने कहा था कि क्यूट लगते हो मूंछ रखा करो। और आदमी कब क्यूट से क्यूटिया हो जाता है पता ही नहीं चलता। इंजीनियरिंग के दिनों में मेरा एक फ्रेंड था सुमित चौधरी, तो वो बंदा अपना नोट्स बनाता था, पसंद करता था एक लड़की को, वो नोट्स बनाता था, मेहनत करता था पूरी पूरी रात जाग के, कभी खुद के लिए नहीं पढ़ा, वो नोट्स बनाया सुबह ताकि कोई नोट्स मांगे वो नोट्स दे दे। तो वो मेहनत करता था, एक दिन नोट्स दिए, तो नोट्स दे के उसने नोट्स दिए, बंदी ने नोट्स लिए। तो ऐसे ही हल्का सा होता है कि ऐसे सिर पे ऐसे हाथ ऐसे करके पागल, वो वास्तव में पागल हो गया। वो अलग ही दुनिया में चला गया, वो हमसे बात ही नहीं कर रहा, उसने कमरा बंद कर लिया, वो अल्ताफ राजा के गाने सुन रहा है। वो थोड़े दिनों बाद उसका और प्रोसेस बढ़े, उसे सब पता है कि उसे मैगी कौन सी पसंद है, उसे कौन सा रंग पसंद है, उसे गुस्सा कब आता है, सब चीजें, एक पूरी रिसर्च चल रही है। थोड़े दिनों बाद में रात को 10 बजे एक मैसेज आता है कि आई मिस यू भाई, आउट, हमें पार्टी दे दी।
हमें बुला लिया, हमारे हम सो रहे हैं, हमारे एग्जाम है, हमें उठा दिया, नहीं लाइफ अलग है, ये देखो हवा बह रही है, आज मौसम अलग सा है। बंदे ने पूरी रात पार्टी वार्टी की, 6-7 बजे सोया, उठ के देखा तो एक मैसेज आया था कि सॉरी सुमित गलती से भेज दिया था। लेकिन भाई हिम्मत नहीं आ रहा, भाई ने दोबारा एफर्ट लगाए, खूब कोशिश की। हम समझाते थे उसको, हम समझाते थे कि भाई आपका बन रहा है, लेकिन नहीं, अंधा हो जाता है आदमी। थोड़े दिनों बाद में ऐसे ही उसके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पास होना जरूरी होता है हम लोगों के लिए, 24 नंबर की लड़ाई रहती है। तो उस बंदे ने कहा कि एक मैसेज आता है ऐसे 11 बजे, आई एम फीलिंग लो। उसके दिमाग पे सारी परतें चढ़ गई, चश्मे चढ़ गए उसके, वो हाई कराने में लग गया। उसने बात करी कि लोग भाई लो कैसे फील कर सकता है, तो वो 10 बजे से सुबह 8 बजे तक उसने हाई फील कराया। 9 बजे एग्जाम था, सेमेस्टर बैक आ गई, 3 साल लगे उसको वो बैक निकालने में। अभी भी फेसबुक प्रोफाइल में लिखता है मैं लो फील कर रहे लोगों को हाई करा देता हूँ। और ये लोग कुछ नहीं करते, आगे जाके टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ये। और 2 साल तक एफर्ट लिए, उसके बाद में उस बंदे को पता चला कि चलो प्रपोज भी कर ही दूं, तो पूरा तैयार होके 14 फरवरी का इंतजार किया, गया उसको प्रपोज किया, तो जाके बात की, उसने काफी एफर्ट लिए थे। तो वहां मैम कहती हैं कि इट्स ओके सुमित, तुम मेरे फ्रेंड हो, बट मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी नहीं देखा। अब उसने पहले दिन से ही उस नज़र से देखा हुआ है सुमित ने, अब उसका बन गया दोबारा। और ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड और था, धर्मवीर चौधरी, वो हरियाणा से था, अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो हरियाणा से था, उसने सुन रखा है, ये नोट्स रिलीज हो जाते हैं इंटरनेट पे कि ऐसे बाबू बोलना होता है, इससे सही रहता है, तो उसकी अपनी एक टोन है। वो बंदी से बात कर रहा है, मेरा रूममेट था, तो वो मना रहा है अपनी बंदी को, रे बेबी माना करो। रे बेबी मेरी बात मानो तो सही, रे बेबी लिपस्टिक दबा दूंगा, रे बेबी ऐसे ना करते। अब वो बेबी चल रहा है उसका, और ये बंदे जब तक नहीं बोलते बहुत सही लगते हैं। और इसकी लव स्टोरी शुरू भी कैसे हुई कि कॉलेज कैंटीन में हम बैठे थे, और एक हर कॉलेज में एक लड़का होता है जिसने बाल भूरे कराए होते हैं, कार होती है, गले में गोल्डन चैन होती है, वो पता नहीं पढ़ने आते हैं क्या करने आते हैं, मेरे समझ नहीं आ, ठीक है। तो एक बार दोस्त कहते थे कि यार ये बहुत अमीर है, ये हर रोज गाड़ी बदल के आता है। मैंने कहा इसके गैरेज भी तो हो सकता है। तो अब वो एक लड़की जो इमोशनल हो रही है कैंटीन में, उसको वो बता रहा है कि, और इनकी आवाज भी नशा कर करके अजीब सी हो जाती है, डू यू नो हाउ मच मनी आई स्पेंड ऑन यू, डू यू नो हाउ कैन यू रिफ्यूज मी। उसने किसी बात के लिए कोई मना कर दिया तो वो उसको कि हमें आगे नहीं चल पाएगा, वो लड़की रो रही है, ऐसा ऐसा चल रहा है। अब धर्मवीर चौधरी वहाँ रोटी चूर के खा रहा है, उससे देखा नहीं गया, भावुक है भाई, वो वहाँ चला गया, अरे डू यू नो भाई साहब, छोरी रोन लग रही है, क्या बात है। तो अब उसको पता नहीं है, वो ये इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, उसने कह दिया दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब इसका मतलब नहीं पता था उसको, उसने डर दिए। आजकल वो पतंजलि की दिव्य दृष्टि डाल रहा है, कह रहा आराम है थोड़ा। दैट्स ऑल माय सर, थैंक यू।